Hi everyone, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology on YouTube channel. So दोस्तों आज हम बात करेंगे लगन के बारे में कि जो हमारी कुंडली का जो लगन होता है वो कैसे बनता है, यानी जो लगन चार्ट होता है हमारा, हमारी जन्म कुंडली का, वो कैसे तैयार होता है। ये जो टॉपिक है ये उन लोगों के लिए जो लोग ऑलरेडी एस्ट्रोलॉजी को जानते हैं, जो लोग एस्ट्रोलॉजर हैं और जिनका काफी इंटरेस्ट है एस्ट्रोलॉजी में, उन लोगों को तो पता होगा। लेकिन जो एस्ट्रोलॉजी को सीख रहे हैं, जो नए स्टूडेंट हैं और जिनको एस्ट्रोलॉजी की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, ये उन लोगों के लिए बहुत ही खास टॉपिक है, बिकॉज उन लोगों को ये पता चलेगा कि हमारा लगन चार्ट कैसे डिजाइन होता है और लगन का मतलब क्या होता है। तो इन सारी चीजों में आज हम बात करने वाले हैं, और बात करना भी बहुत जरूरी है बिकॉज काफी लोगों के मैसेजेस आते हैं, मेल्स आती हैं कि सर हमारा लगन क्या है, हमारा लगन ये है कि हमारा लगन वो है, मेरा मून यहाँ बैठा है तो मून मेरा लगन हो गया कि मेरा क्या लगन हो गया। तो लगन को लेके काफी कंफ्यूजन है लोगों के बीच में। मैंने सोचा कि लगन चार्ट को ही हम अपना टॉपिक बनाते हैं और आज आपसे लगन को लेके आज चर्चा करेंगे। देखिए, जो आपका लगन चार्ट है इसके जो पीछे का रोल है वो है आपका सन, यानी सन जो है वो आपके लगन चार्ट को डिसाइड करता है कि आपका लगन क्या होना चाहिए। अब सन कैसे डिसाइड करता है, आप सोच रहे होंगे कि काफी प्लैनेट्स हैं कुंडली के अंदर, तो काफी 9 प्लैनेट्स आते हैं, तो राहु केतु वो कहां गए, तो सन का ही रोल क्यों खास है। सन जो है वो हमारी टाइमिंग को डिसाइड करता है, यानी जो लगन का जो समय है, जो आपका लगन जो चार्ट है वो सन के ऊपर बेस्ड है। सन कौन सी राशि में प्लेस्ड है उसी के हिसाब से आपका लगन बनता है, और एक जो पर्टिकुलर लगन होता है वो 2 घंटे का होता है, यानी 2 आवर्स का होता है, और उसके बाद लगन चेंज हो जाता है। यानी हर टाइम हमारा जो समय है, जिस समय के हम अंदर रहते हैं उसका एक पर्टिकुलर लगन होता है। तो आपने ज्यादातर सुना होगा कि कुछ आप नया काम करने जा रहे हैं या किसी से मीटिंग करने जा रहे हैं या शादी की बात करने जा रहे हैं, तो पहले ये बोला जाता है कि यार लगन चेक कर लो, लगन क्या है, अगर लगन ठीक नहीं है तो अभी जाना ठीक नहीं है। तो लगन की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। लगन जो होता है वो ये बताता है कि अभी आपका समय कैसा है। हर एक पर्टिकुलर टाइम का एक अपना पर्टिकुलर और अलग से एक लगन होता है जो ये डिसाइड करता है कि आपका जो समय है वो कैसा चल रहा है प्रेजेंट में, और उसी लगन में जो हमारा जन्म होता है उसी के कारण हमारी जो लाइफ है वो उस लगन के हिसाब से चलती है। जो लगन में प्लैनेट्स की जितनी भी जो पोजिशन होती है डिफरेंट डिफरेंट हाउसेज में, उसके हिसाब से ही हमारी जो लाइफ है वो चल पाती है, यानी पर्टिकुलर प्लैनेट्स के हिसाब से, पर्टिकुलर हाउसेस के हिसाब से हमारी जो लाइफ की जो डेस्टिनी है वो डिजाइन है, और उसी को देख के जो एस्ट्रोलॉजर हैं वो प्रेडिक्शन करते हैं। तो लगन चार्ट कैसे बनता है इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि लगन तैयार कैसे होता है। पहले हम स्टार्ट करते हैं सन से। सन यानी सूर्य, जिसको हम सब लोग जानते हैं, ग्रहों का राजा सन। तो जो 12 हमारे महीने हैं, जो 12 मंथ्स हैं हमारे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ठीक है, 12 महीने जो हैं, वो 12 महीने जो आप देख पाते हो वो सन के गोचर के कारण देख पाते हो। सन अगर डिफरेंट डिफरेंट राशिज में अगर गोचर करता है तो डिफरेंट डिफरेंट राशिज के कारण जो 12 मंथ होते हैं वो हम लोग देख पाते हैं। इसकी शुरुआत होती है 15th ऑफ अप्रैल से, राइट। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से 15th ऑफ अप्रैल से स्टार्टिंग होती है, और 15th ऑफ अप्रैल से टू 15th ऑफ मई, ये फर्स्ट मंथ है, राइट। 15th ऑफ अप्रैल से 15th ऑफ मई, इस पीरियड में सन जो है वो एरीज साइन में रहता है। एरीज साइन यानी मेष राशि, यानी एक महीने के लिए सन जो है 15th ऑफ अप्रैल से लेके 15th ऑफ मई तक एरीज साइन में रहता है।
अब कई बार क्या होता है इसमें जो आपकी जो ये डेट है कई बार 14 हो जाती है, कई बार 13 हो जाती है, कई बार ये वाली जो डेट है आपके 14, 13, 17, 18 तक पहुंच जाता है, लेकिन 15 से 15 अगर हम मान के चलते हैं तो पूरा एक मंथ हो जाता है, लेकिन कई बार आगे पीछे थोड़ी बहुत चीजें हो जाती है। सो सन जो है 15th ऑफ अप्रैल से लेकर 15th ऑफ मई तक आपके एरीज साइन में होगा, यानी किसी भी बच्चे का अगर जन्म इस पीरियड में अगर हो रहा है तो उसका जो सन है वो एरीज में ही रहेगा, राइट। अब इसके बाद 15th ऑफ मई से लेके आपका 15th ऑफ मई टू 15th ऑफ जून, ठीक है, मई से अगर जून के बीच में अगर जन्म हो रहा है 15th ऑफ मई से लेके 15th ऑफ जून, देखिए इसमें 15 की जगह 13 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है, और यहां 15 की जगह आपका 13, 14, 15, 16, 17 तक हो सकता है। सो मैंने जो बताया है वो मैंने सिर्फ एक जनरल आइडिया के हिसाब से बताया है कि अगर आपका सन अगर इस पीरियड में चल रहा है तो वो एरी साइन में आएगा, और अगर इस पीरियड में चल रहा है तो सन आपका टॉरस साइन में ही आएगा, राइट। तो सन जब ऐसे गोचर करता है आपका अप्रैल से मई से जून, जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त, तो सन जो है डिफरेंट डिफरेंट राशिज के ऊपर आता चला जाता है। जैसे हम बात करते हैं अभी अभी की जो आज जो सन का गोचर है वो है, सन आज गोचर कर रहा है एक्वेरियस से, राइट। सन एक्वेरियस से आज गोचर कर रहा है बिकॉज आज की जो डेट है वो है 13th of Feb to 13th of March, राइट। 13th ऑफ फेब से लेकर 13th ऑफ मार्च के बीच सन जो है वो एरी साइन एक्वेरियस साइन में रहेगा, राइट, एक्वेरियस साइन में रहेगा। तो इस पीरियड में अगर कोई भी बच्चा अगर पैदा हो रहा है तो उसका जो सन है वो एक्वेरियस साइन में ही रहने वाला है। तो सन जब एक्वेरियस साइन में रहेगा तो इससे हमारा लग्न कैसे डिजाइन हो रहा है, हमारा लग्न कैसे बन रहा है, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। तो ये थोड़ा सा मुझे बताना जरूरी था बिकॉज आप लोगों को थोड़ी सी चीजें क्लियर हो जाए। अब हम चार्ट बना रहे हैं, राइट। ये आपका चार्ट है, यू गॉट इट। अब इस चार्ट में जो टाइमिंग है उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूं कि किस टाइम के हिसाब से सन कौन से हाउस में गोचर करेगा। 5:30 to 7:30 मॉर्निंग के अगर आपका जन्म हो रहा है तो ये ईस्ट पोर्शन है। अगर 5:30 से 7:30 के बीच में अगर आपका जन्म होगा तो सन की प्लेसमेंट आपके फर्स्ट हाउस में होगी, लेकिन लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के हिसाब से ये प्लेसमेंट आपकी चेंज भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए कि मॉर्निंग के यहाँ टाइम है, मॉर्निंग के टाइम में 5:30 और 7:30 हो रहा है, और इस पीरियड में अगर किसी बच्चे का जन्म होगा तो उसका जो सन है वो फर्स्ट हाउस में आएगा, और इसी टाइम अगर अमेरिका में अगर किसी बच्चे का जन्म हो रहा है तो उसका जो सन है वो इस हाउस में आएगा, बिकॉज अमेरिका में हमसे बिल्कुल अपोजिट हो जाता है, टाइम जो है बिल्कुल उल्टा हो जाता है। तो 5:30 से 7:30 के बीच में अगर आपका बर्थ है तो सन आपका यहां होगा, 7:30 to 9:30 सन आपका यहां होगा, 9:30 to 11:30 राइट सन आपका यहां होगा 11th हाउस में, 11:30 to 1:30 आफ्टरनून राइट आपका सन 10th हाउस में होगा, 1:30 to 3:30 राइट आपका सन जो है वो 9th हाउस में होगा, 3:30 to 5:30
आपका जो सन है वो 8th हाउस में होगा, यानी किसी बच्चे का जन्म अगर 3:30 से लेके 5:30 के बीच में अगर हो रहा है तो उसका जो सन है वो 8th हाउस में आएगा। फिर अगर आपका जन्म अगर मान लीजिए कि 5:30 PM टू 7:30 PM के बीच में अगर हो रहा है, ये आपका है AM, राइट, और ये है आपका PM, तो उसका सन यहां पर आएगा 7:30 to 9:30। अगर नाइट में अगर आपका जन्म हो रहा है तो आपका सन यहां होगा, और 9:30 to 11:30 बर्थ अगर होता है तो सन आपका यहां पर आएगा 11:30 to 1:30 मींस AM, रात्रि। लॉर्ड कृष्णा का जन्म रात के 12 बजे हुआ था तो उनका सन 4th हाउस में है। यू गॉट माय पॉइंट? सो 1:30 to 3:30 AM आपका सन यहां पर होगा, और 3:30 to 5:30 आपका सन सेकेंड हाउस में होगा, राइट? अब मान लीजिए कि जैसे मैंने आपको बताया कि ये पर्टिकुलर जो लगन है ये 2-2 घंटे का होता है, यानी 2 आवर्स का एक लगन बनता है, राइट? ऑल टाइम कोई ना कोई लगन चलता है। अभी जैसे अभी आपका टाइम कितना हो रहा है, अभी घड़ी मेरे पास है नहीं, तो टाइम आई थिंक मान लेते हैं कि अभी 6:30 हो रहा है, राइट? तो 6:30 अगर हो रहा है तो अभी सन की प्लेसमेंट यहां पर होगी, यानी किसी बच्चे का अगर अभी जन्म होता है तो उसका जो सन है वो 7th हाउस में आएगा। और जैसे मैंने बताया कि सन जो है वो आज ट्रांजिट हो रहा है एक्यूरेट साइन में, राइट? तो एक्यूरेट साइन यानी 11 नंबर राशि, सो उसके बारे में बताता हूं। तो 11 नंबर राशि जो है वो कैसे बनेगी, इसका स्नैपशॉट आपने लिया, वीडियो को रिवर्स करके इसका स्नैपशॉट ले लेना तो ये आपके लिए क्लियर होगा। जैसे हम बात कर रहे हैं कि एक्यूरेट साइन में अभी सन ट्रांजिट हुआ है, एक्यूरेट साइन का साइन क्या है, 11 नंबर, राइट? तो किसी बच्चे का अगर जन्म आज मॉर्निंग में अगर 5:30 से 7:30 के बीच में हुआ होगा, अगर सन अगर एक्यूरेट में अगर आज मॉर्निंग में अगर आया होगा तो, अदरवाइज नहीं तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आप देख लेना, बिकॉज आज वो ट्रांजिट हुआ है, किस टाइम हुआ है आई डोंट नो। तो सन अगर एक्यूरेट साइन में अगर यहां है 5:30 से लेकर 7:30 के बीच में अगर आपका जन्म हो रहा है तो सन की प्लेसमेंट यहां पर होगी और यही आपका लगन बन जाएगा। इसी तरीके से अगर आपका जन्म 7:30 to 9:30 के बीच में अगर हो रहा है, मान लीजिए कल हो रहा है, कल 7:30 to 9:30 के बीच में अगर एक्यूरेट साइन में अगर आपका सन है तो यहां सन आपका होगा और उसके हिसाब से जो आपका लगन है वो बन जाएगा, क्या बन जाएगा, आपका लगन होगा पाइसिस लगना, राइट? और इसी के हिसाब से अगर 9:30 to 11:30 के बीच में अगर आपका जन्म हो रहा है, 9:30 to 11:30 कल अगर आपका जन्म हो रहा है, मान लीजिए कल किसी बच्चे का जन्म हो रहा है 9:30 to 11:30 के बीच में और उसका सन अगर एक्यूरेट साइन में है तो उसका लगन क्या होगा, उसका लगन होगा आपका, उसका लगन होगा 11, 12 and 1 यानी एरीज, उसका लगन हो जाएगा एरीज, राइट? सो इस तरीके से सन की जो प्लेसमेंट होती है, लाइक जैसे आपका जन्म आज रात को 11:30 बजे से लेके 1:30 बजे के बीच में होने वाला है, राइट? मतलब आपका जन्म नहीं, किसी बच्चे का जन्म 11:30 से लेके 1:30 बजे, रात के 1:30 बजे के बीच में अगर होने वाला है तो उसका लगन हम डिसाइड करते हैं 11 नंबर के ऊपर सन है, बिकॉज सन एक्वेरियस में ट्रांसफर हुआ है, तो सन अगर यहां पर है तो लगन क्या होगा, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लगन आपका बनेगा स्कॉर्पियो, 8 नंबर, राइट? यू गॉट माय पॉइंट?
सो ये जो लगन चार्ट कैसे बन रहा है, कैसे डिजाइन हो रहा है, इसके बारे में मैंने आज आपको बताया। बिकॉज सन जो है वो पर्टिकुलर राशिज में ट्रांसफर होता है और एक मंथ के लिए सन जो है वो एक पर्टिकुलर राशि में ही रहता है। उस राशि के हिसाब से किस टाइम आपका जन्म हुआ है, टाइम मैंने आपको बता दिया है, किस टाइम आपका जन्म हुआ है उसके हिसाब से आपका जो लगन है वो डिसाइड होता है। और जो हमारा जो फर्स्ट मंथ जो है वो 15th ऑफ अप्रैल से लेके 15th ऑफ मई में होता है, यानी 15th ऑफ अप्रैल से लेके 15th ऑफ मई के बीच में सन जो है वो एरी साइन के ऊपर होगा और मई के बाद आफ्टर वन मंथ सन जो है टॉरस में हो जाएगा और उसके आफ्टर वन मंथ सन जो है वो जेमिनी साइन में चला जाएगा। तो इसी तरीके से किस पर्टिकुलर टाइम में आपका जन्म हो रहा है और कौन सी राशि में सन की प्लेसमेंट है और उसी के हिसाब से जो आपका लगन है वो डिसाइड होता है। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया लगन चार्ट के बारे में कि आपका लगन चार्ट कैसे बनता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने लगन चार्ट के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, गाइस आप हमसे बात भी कर सकते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।